अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए ईद के हवाले से बहुत ही मज़ेदार एक नई किस्म का मीठा लेकर आए हैं। इसका नाम है नवाबी सेवैयाँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तकरीबन मैंने एक डेढ़ पैकेट के करीब सेवैयाँ ले ली थी। सेवैयों का पैकेट जो आता है एक और हाफ मैंने ले लिया था। अब इनको मैंने अच्छे से हाथों की मदद से चूरा चूरा कर लिया है। बहुत बारीक भी नहीं करना है, बहुत छोटा नहीं करना है, दरमियाना करना है। और उसके बाद अब हमने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी ले लिया है। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें सेवैयाँ ऐड कर देंगे। इसमें मैंने सारी सेवैयाँ डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे। तो अच्छे से थोड़ा सा भून लिया था मैंने। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब शुगर। ये पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी ऐड करने तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, वरना अगर आप साबुत चीनी लेंगे तो वो फिर मिक्स होने में मुश्किल होगी। अब यहाँ पर मैंने पाउडर मिल्क ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। आप इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मिक्सिंग करते हुए, क्योंकि आपको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल इसका वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए तकरीबन मिक्स हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। और ये हमें काम लो फ्लेम पे करना है क्योंकि सेवैयाँ आपको पता है कि फ़ौरन से लग जाती हैं, इसलिए हमें तेज़ आँच पर नहीं पकाना है, सो लो फ्लेम पर पकाना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कलर मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि सेवैयों का अच्छा सा रंग आ जाए। सेवैयाँ अच्छे से भुन चुकी हैं, हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम एक और पैन में तकरीबन 1/2 लीटर के करीब दूध डालेंगे और इसको उबलने रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और बाउल लिया है, उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क लिया है। उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने ऐड किया है कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड किया है यहाँ पर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम जो दूध उबाल रहे थे यहाँ पर, अब वो दूध उबल चुका है। अब मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है। अब यहाँ पर जो मैंने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था मिल्क में, वो ऐड करने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्स ना बने। पहले मैंने थोड़ा सा ऐड किया, उसके बाद उसको मिक्स किया और फिर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और फिर मिक्स किया। इस तरह से मैं करते करते सारा मिल्क इस तरह से ऐड कर दूंगी। आपको मुस्तकिल चलाते जाना है ताकि कोई लम्स ना बने। तकरीबन मैंने सारा ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क। मिक्स करते जाएंगे, उसको चलाते जाएंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने से इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी बनेगा और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर पकाना है कि हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सर्विंग डिश ले ली है, उस पर जो सेवैयाँ हमने भूनी थी सबसे पहले हम उसकी लेयर लगाएंगे। लेयर ना बहुत थिक होनी चाहिए ना बहुत थिन होनी चाहिए, दरमियानी लेयर हमको लगानी है यहाँ पर। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से प्लेन कर दूंगी, एक सा कर दूंगी। आप स्पैचुला की मदद से करा है, अब यहाँ पे हम कोई भी बाउल कोई भी गिलास लेकर उसकी मदद से इस तरह से हल्का करके प्रेस करके दबा देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। अब फिर उसके बाद जब ये सेट हो चुका है तो फिर मैंने जो मिक्सचर कस्टर्ड मिक्सर तैयार किया था उसकी लेयर हम इस पर लगाएंगे।
एक थिक लेयर इसमें हम लगा देंगे। अभी हम यहाँ पे जो सेवइयाँ बाकी बची थी उसकी एक और लेयर में इसके कस्टर्ड के ऊपर लगा दूंगी। हाथों की मदद से आपको इस तरह से पूरी सर्विंग डिश में फैला देना है। अब इस स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि नीचे कस्टर्ड की लेयर है। अब यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता ऐड कर दिए हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।